बड़वानी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान संबंधित अध्यादेश में संशोधन, यूरिया खाद की किल्लत, मक्का खरीदी, सिंचाई खरीदी के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर 5 जिलों के किसान खलघाट में देंगे धरना। दिल्ली की सीमा पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बाद अब धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा के 5 जिलों के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले खलघाट में धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मनशाराम पंचोले का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधित अध्यादेशों में संशोधन के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मक्का खरीदी जल्द शुरू करने, यूरिया खाद की किल्लत, सीसीआई खरीदी में किसानों की बजाय व्यापारियों को माल खरीदी, जिले में लोअर गोई परियोजना आदि स्थानीय मुद्दों को लेकर खलघाट में टोल प्लाजा के पास किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर सरकार से उनकी मांगें माने जाने की मांग की जाएगी। भारतीय किसान संघ को उम्मीद है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अध्यादेश को लेकर हमारा मूवमेंट ये रहेगा, 15 दिसंबर को खलघाट में सामूहिक 5 जिलों का चक्का जाम है और अध्यादेश के लिए मतलब कानून में संशोधन है, ऐसे बिंदुओं को लेकर है। स्थानीय जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार मक्का नहीं खरीदा है, उसमें खरीदी जल्द की जाए। समय पे खाद, यूरिया खाद किसानों को मिल नहीं रहा, वो भी मिल रहा था 450 रुपये मिल रहा है। और हमारे ज़िले में लोअर गोयर परियोजना विगत दो साल से बंद पड़ी है, उसको तुरंत चालू की जाए। ऐसे कई बिंदुओं को, स्थानीय बिंदुओं के लेकर सीसीआई खरीदी हुई, व्यापारियों को माल तुला है, वहाँ भी किसानों को बहुत कम तुला, और तुला भी है तो किसानों को पेमेंट नहीं दिया गया, एक एक महीने तक किसान भटकते रहे हैं, और उसकी जाँच को लेकर ऐसे कई बिंदुओं को लेकर मतलब 15 दिसंबर को 11 बजे खलघाट टोल नाके पर हमारा धरना आंदोलन रहेगा।